हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वंस अगेन दिस इज वीरज शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम, और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इनटू द प्रोग्राम हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम। जो शायद आज यहां पे पहली बार आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम लोग ट्राई करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले या इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होने वाले बहुत सारे ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स जिनको बहुत सारे चैलेंजेस और डाउट्स और क्वेरीज आ रहे हैं। सो उन क्वेरीज और डाउट्स को हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, उनको आंसर करने के लिए ट्राई करते हैं, ताकि वो लोग अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाए। आज एक बार फिर से हम लोग एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन पूछा है मिस्टर शिवली अख्तर ने, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है जो शायद बहुत सारे लोगों को एप्लीकेबल होगा। उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या फार्मास्यूटिकल और केमिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मिस्टर शिवली अख्तर, और ये जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी रिलेवेंट और आज के समय के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूं तो दो तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। द फर्स्ट वन इज इन 2019 and 2020 के बीच के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया है, इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है, दैट इज अराउंड 20.70 billion US dollar, विच इज अ रिमार्केबल बिजनेस। यू कैन से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इंक्रीमेंटल ग्रोथ के रिगार्डिंग इन द 2020, सो वी आर इन द टॉप थ्री इन द वर्ल्ड। सो ग्रोथ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम लोग जेनेरिक मेडिसिन की बात करें, सो वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द जेनेरिक मेडिसिन। अगर परसेंटेज के हिसाब से गिने तो इट इज कम्स टू अराउंड 20-22% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट वॉल्यूम। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम, सो वो भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। और सबसे बढ़िया जो प्लस पॉइंट है, अगर मैं बात करूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन डायरेक्टली यू नो पिकअप द इंडस्ट्री। क्या है द मैन्युफैक्चरिंग, और हम जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, दैट इज वन ऑफ द लोएस्ट वी कैन से इन द वर्ल्ड। इवन यूएसए और हाफ ऑफ द यूरोप से भी हमारे यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री दैट यू कैन टारगेट राइट नाउ। और जो कुछ भी अभी हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर उसके हिसाब से देखें, सो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेस्ट इंडस्ट्री है टारगेट करने के लिए। अगर मैं केमिकल की बात करूं, केमिकल इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री दैट यू कैन टारगेट विद। क्यों? बिकॉज उसके साथ के जो प्रोडक्ट्स है या उस इंडस्ट्री के बिलोंगिंग जो प्रोडक्ट है, अगर हम लोग बात करें पेंट हो गया या फिर वार्निशेस हो गया या फिर उसके रिलेटेड जो भी पेट्रोकेमिकल्स है, पेंट्स है, तो वो जो सारी इंडस्ट्री है, ओवरऑल इंडिया के पास मोर देन 70,000 प्रोडक्ट है जो इस कैटेगरी में केमिकल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एंड वी आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग, और वर्ल्ड के 16% के अंदर हम लोग आते हैं जो प्रोडक्शन वाइज या एक्सपोर्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री। सो फार्मास्यूटिकल की बात करें या केमिकल की बात करें, दोनों ही इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर, 10 से 15 सालों के अंदर इंडिया कैन get the top position। और केमिकल और इसकी अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स दोनों की बात करूं, सो द मार्केट जो टारगेटेड मार्केट है ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स। यूएस यूरोप हमसे खरीद रहा है, इवन इन द अगर सऊदी अरेबिया देखे, बांग्लादेश देखे, तो दीज आर द कंट्रीज हु आर बाइंग फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम द इंडिया इटसेल्फ। तो दोनों ही इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। बिंदास आप इसके अंदर काम कीजिए, जल्दी से जल्दी एंटर होइए, प्रोडक्ट को समझिए, प्रोडक्ट को आसानी तरीके से उसको समझना शुरू करें कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है, मार्केट कौन सा मुझे टारगेट करना है, एंड अकॉर्डिंगली अपना कंपनी फॉर्मेशन करके बिजनेस को आगे लेकर जाइए। और इसके दरमियान कहीं भी कुछ भी डाउट आता है, सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और जो लोग भी अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर प्रॉपरली बिजनेस करना है, सिस्टमेटिकली बिजनेस करना है, तो उसके लिए नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थरली नॉलेज ले लीजिए पहले, उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, प्रोडक्ट को, मार्केट को, बिजनेस को, और उसके बाद उसके अंदर एंटर होकर अपना अच्छी तरीके से वहां पर बिजनेस कीजिए। सो शिवली अख्तर जी, होपफुली यू हैव गॉट योर आंसर, एंड एज सून एज यू विल गेट दिस आंसर यू विल एंटर इनटू दिस बिजनेस, एंड बहुत अच्छे से आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो आइए हम सब मिलते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, और भारत के वो सुनहरे दिन भारत में वापस लाते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।